अब्बू की बीवी और उनके साथ में मेरा हाथ। दोस्तों, मेरा नाम आदिल है और मैं 23 साल का हूँ। मेरे घर में मेरे अलावा अम्मी, अब्बू और मेरी दो छोटी बहनें हैं। यह मॉम की कहानी है, मजा ले। मेरे अब्बू ने कई शादियां की हुई हैं। मेरी सगी अम्मी पहले ही मर गई थी। इस वक्त जो अम्मी मेरे साथ रह रही है वो मेरी नहीं पर मेरी दो छोटी बहनों की अम्मी है। अपनी दोनों बहनों की सारी कमी मैंने पूरी की थी। मैं मजे से उन दोनों के साथ खेलता था। पिछले साल उन दोनों का निकाह हो गया और अब वो दोनों अपने शौहरों की सेवा में लगी हुई हैं। मेरी अम्मी का नाम नगमा है जो कि 43 साल की हैं। वो बेहद खूबसूरत हैं जिनको मैंने कई बार ख्वाब में देखा है। मेरे अब्बू का नाम नासिर है। अब 6 साल से पहले उस्मान चाचा के साथ कोलकाता काम करने गए और वहां जाकर अपने से 20 साल छोटी औरत 31 साल की शब्बो से शादी कर ली। शब्बो हल्की सी सांवली पर बेहद अच्छी औरत थी। उसे देखकर कई बार मैंने सोचा कि एक बार तो कम से कम शब्बो से सेवा करवानी ही चाहिए। मैंने कई बार अपने बाप की किस्मत को लेकर सोचता था कि क्या किस्मत है सारे की। एक तरफ मेरी सौतेली अम्मी नगमा जैसे साउथ फिल्मों की अभिनेत्री नयनतारा, तो दूसरी तरफ शब्बो जैसी श्रुति हसन को सेवा के लिए सेट किया हुआ है। अब अब्बू कभी कभार ही घर आते थे और घर खर्च भेज देते। उनके घर न आने से घर पर कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक सामानों को रिपेयर करने का काम करता हूँ जिससे घर का खर्च भी निकल जाता है और थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है। मैं और मेरी अम्मी नगमा अजमेर के छोटे से इलाके में एक छोटे से घर में रहते हैं जो पुराने जमाने के खंडर जैसी है। एक के ऊपर एक घर बिल्कुल पैक, ना कोई आवाज सुन सकता है और ना कि कोई घर के अंदर झांक सकता है। मुझे कई साल से अपनी अम्मी से सही तरीके से मिलने का मन था पर मेरी बहनों ने कभी मुझे कमी नहीं होने दी। जब दोनों ने टाइम टाइम पर देखभाल की और मैंने भी उनके सारे खर्चे और जरूरत पूरी की। बहनों की शादी के कुछ दिन बाद ही तलब लगी तो सामने अम्मी थी। मेरा पुराना ख्वाब फिर से जवान हो गया और मैंने सोचा क्यों नहीं इन्हें खींच लूं। वैसे भी अम्मी कई सालों से नहीं मिली थी। अपनी अम्मी के बारे में इस तरह की सोच कोई ऐसे वैसे ही रख सकता है जो कि मैं तभी बन गया था जो अम्मी को दूर के मामा के साथ देखा था। खैर, ये बात 8 साल पुरानी है पर याद अभी तक ताजा है कि मैंने मामू अम्मी के साथ था बैठा। अम्मी की इच्छा सुनकर अब तो बस चाहत थी अम्मी को भाव देखने की, जिसके लिए मैं रोज कुछ ना कुछ नया तरीका अपनाता। मैंने फिर बाद में ऐसा कुछ काम शुरू कर दिया जो बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और फिर अब पहले तो अम्मी ने इन सब चीजों को नजरअंदाज किया और खुलकर मुझसे बोलने लगी, पर जब मैं हद से ज्यादा आगे जाकर लगाकर ये सब करता तो अम्मी कहती कि अब तुम्हारा भी निकाह करना पड़ेगा और मुस्कुराकर चली जाती। अम्मी की इन बातों से मेरी हिम्मत और ज्यादा बढ़ गई। मैं अम्मी के सामने जाता तो नॉर्मल नहीं जाता था, डबल मीनिंग बात करता, जैसे अम्मी आज तो दे दो। अम्मी कहती क्या, तो बोल देता झूठ, ओ सॉरी सॉरी दूध, या अम्मी के को देखते हुए बोल देता आज तुम्हारे सही लग रहे हैं। अम्मी बोलती शर्म नहीं आती क्या, तो कहता अम्मी मैं तो आपके होठों की बात कर रहा था। यही सब कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर मैंने एक बार तो ऐसा कांड कर दिया, अम्मी को जब देखा तो उन्होंने पूछा कि तूने देखी है क्या। मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप इतनी खूबसूरत क्यों हो जी। अम्मी ने कहा चुप कर वरना थप्पड़ खाएगा। मैंने भी जवाब दे दिया अम्मी तुम्हारे थप्पड़ से डर नहीं लगता, डर लगता है कि कहीं ये बम मुझ पर गिरे तो मैं मर ना जाऊं। अम्मी अपना दुपट्टा लेकर ये कहते हुए अंदर चली गई। आने दे तेरे अब्बू को वापस, बताती हूँ कि तू कितना बेशर्म हो गया है। अगर तेरी खाल नहीं खिंचवाई तो कहना अपनी अम्मी को छेड़ता है कमीना। मैंने जवाब में कहा कि अब्बू तो शब्बो सवारी करते हुए बाल खींचने में बिजी होंगे। अम्मी ने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। मेरे इस बदले हुए रवैये से अम्मी हैरान भी थी अब परेशान भी। अम्मी में वैसे तो कोई कमी नहीं थी, किसी और की बात होते तो वो खुद ही चटाई की तरह बिछ जाती और बोलती लगा दे पर अपने ही बेटे से कैसे हो। शायद यही बात उसे परेशान कर रही थी। थोड़ी देर बाद मैं अम्मी के पास आया और अम्मी का नाम लेकर बोला नगमा तुम मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ और खुश देखना चाहता हूँ। तू अगर चाहे तो हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ये कहते हुए मैंने अपनी अम्मी के दोनों हाथों को अपने हाथ से पकड़ लिया। अम्मी ने अपने हाथ से मेरे गाल को छुआ और बोली बेटा तू अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये सब बात समझ सके। मैंने अम्मी की आंखों में देखते हुए कहा नगमा मैं और वो दोनों बड़ा हो गया है कि अच्छो अच्छो की चीखें निकलवा सके। ये सुनते ही अम्मी ने थप्पड़ मारना चाहा पर मैंने हाथ पकड़कर उनके बाल पकड़े। मेरे दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। कुछ देर बाद अम्मी बोली तू अब हद पार कर रहा है। अम्मी ने कहा बेटा अम्मी हूँ तेरी, ये सब मेरे साथ करेगा, तू कहे तो तेरे लिए तेरी ममेरी बहन हिना को बुला लेती हूँ,
वो दहलीज पर है अभी, तेरा पूरा ख्याल रखेगी। मैंने अम्मी को बोला, अगर वो चाहिए होती तो इतना वक्त जाया ना करता। मैं बोला, नगमा तेरे पर हिना जैसी कई कलियां कुर्बान कर दूंगा मैं। जान आज मना मत करना, तूने मर्द पैदा किया है, अब मर्द की मर्दानगी देख बस। अम्मी, ओह अम्मी हूँ तेरी। मैं अम्मी से कहा, नगमा आज से तू मेरी अम्मी नहीं बेगम है, समझी आप अम्मी? आ हाँ दिल, मैं तेरी अम्मी हूँ, फिर अपनी अम्मी के साथ ऐसा नहीं करता। मैं, नगमा जान जब भाई की हो सकती हो तो बेटे के साथ क्यों नहीं, वे गलत बात नहीं है इसमें मेरी जान। मैंने थोड़े हंसते हुए कहा, तुम मेरा ख्याल करो और मैं तुम्हारा ख्याल करूंगा, ठीक है ना? अम्मी देखते हुए बोली, हैला आदिल तुझे जरा भी शर्म लिहाज नहीं रह गया मेरे सामने ही? मैं, नगमा आज तुम मेरी और मैं तेरा हूँ। अम्मी, बेटा मैं तेरी अम्मी हूँ। मैं, नगमा देख अब इतने नाटक मत कर, मैं जानता हूँ बस ये फालतू की बात करने की बजाय कुछ और सोचो। मैं, नगमा मेरी बेगम पहली रात मुबारक हो। अम्मी देखते हुए बोली, आदिल तू सच में पागल है पूरा का पूरा। उस रात मैंने जो सोचा था वैसे ही पूरा प्रोग्राम हुआ और इस चीज में मेरी अम्मी ने मेरा पूरा साथ दिया था। पिछले एक साल में मैंने अम्मी से इतना मजबूत बॉन्ड बना लिया कि क्या ही बताऊं, अब वो किसी गर्लफ्रेंड की तरह ही मेरे साथ रहती हैं। उस रात के बाद अम्मी ने कभी मुझे मेरे नाम आदिल से नहीं बुलाया बल्कि सुनो जान, जानी, बेबी, बाबू, हनी, राजा जैसे लफ्जों से आवाज देने लगी और मेरे जरूरत का ख्याल मेरी बहनों से भी ज्यादा अच्छे से रखने लगी। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और कोई सुझाव भी हो तो जरूर दें। इसके साथ दोस्तों ये भी बताएं कि अगली कहानी आप मेरी बहन पर चाहते हैं या मेरी सौतेली अम्मी शब्बों पर, मुझे याद से जरूर बताएं। चलो चलती हूँ, मिलूंगी अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।